Alright, applications of trigonometry, my chapter. This is a very simple chapter which is based on the basic trigonometric ratios. कोई identity prove नहीं कर रही, कोई complementary angle आपको नहीं use करना. All you have to do is find the distances, find the lengths of objects or lengths of towers or buildings using simple trigonometric ratios. छोटा सा example है, जैसे suppose it's given to me that I have a tower AB और मुझे इस tower की height निकालनी है. Okay, so I have a building of unknown height. I don't know what's the height of the building. मुझे इसकी height निकालनी है. Now, what we are going to do is, suppose from the foot of the building, I travel a certain distance, let's say 200 meters, and from this point, I notice that the angle which the top of the building makes here, like this, with the horizontal, this comes out to be 30 degrees. Right? मुझे बिल्डिंग की हाइट निकालनी है. बिल्डिंग का जो फुट है B, वहां से मैं 200 मीटर्स, ऐसे रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 मीटर्स आगे गया पॉइंट C पर, और C से मैंने नोटिस किया कि जो बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका एंगल 30 डिग्रीज बन रहा है. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. राइट? आप हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हो, दिस कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट सी विच इज 200 मीटर्स फ्रॉम द फुट इज 30 डिग्रीज. इस इंफॉर्मेशन यूज करके मुझे बिल्डिंग की हाइट निकालनी है. राइट? नाउ, क्या आपका प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए? आप ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, उसमें दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज गिवन है, और एक साइड ऑफ द ट्रायंगल की लेंथ भी है आपके पास, BC की लेंथ है. राइट? आपको निकालना क्या है, आपको AB निकालना है. तो क्या इस हाइट में और इस 200 मीटर जो लेंथ गिवन है इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है? यस सर. राइट? अगर मैं एंगल 30 कंसिडर करूं, 30 के एडजेसेंट वाली साइड, ये तो हाइपोटेन्यूज होती है तो इसको नहीं छोड़ेंगे, इस एंगल के एडजेसेंट वाली साइड, दिस इज माई बेस एंड द बेस इज 200 मीटर्स एंड द साइड विच आई हैव टू कैलकुलेट विच इज परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है? राइट? सो आई विल से दैट इन ट्रायंगल एबीसी, एबी अपॉन बीसी, दिस इज इक्वल टू टैन 30 डिग्रीज, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए फ्रॉम द टेबल, 1/√3. राइट? सो एबी, मैंने इसको एच ले लिया, बीसी गिवन है 200 मीटर्स, दिस इज 1/√3. So H will come out to be 200/√3, which is 200/√3/3 meters. आगे आपका आंसर. राइट? सो इसमें आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने हैं. ऑफ कोर्स वैल्यूज याद होने चाहिए, 30 डिग्रीज के, 45 डिग्रीज के, 60 डिग्रीज के, 90 डिग्री के, सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए. और आपको देखना है जो लेंथ गिवन है और जो निकालनी है उनके बीच में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. यूज दैट एंड फाइंड द आंसर. वेरी सिंपल चैप्टर, कुछ नहीं करना है इसमें. ठीक है? थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. यस, डेफिनेटली वी विल डू दोज क्वेश्चंस आल्सो, बट बेसिकली आपको ये करना है. ठीक है? एक और एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं. मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट अननोन है एंड आई एम स्टैंडिंग एट अ पॉइंट सी
from where I notice that the angle of elevation is 60 degrees. Of the top of the tower. Right, जो टावर है या बिल्डिंग है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट सी इज 60 डिग्रीज. नाउ इफ आई मूव फर्दर अवे फ्रॉम द फुट बाय सम डिस्टेंस सपोज 100 मीटर्स फ्रॉम हियर आई नोटिस द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस कम्स आउट टू बी 30 डिग्रीज. आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. बीसी हमें नहीं गिवन. बीसी हमें नहीं गिवन. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज करोगे दैट हैज टू बी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. पहला राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी. दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी डी. ठीक है. तो अब जो भी ट्राइंगल लो चाहे आप ए बी सी ट्राइंगल लो उसमें एच आ रहा है. ए बी डी ले उसमें भी एच आ रहा है. बट ए बी सी में बी सी भी आ रहा है और ए बी डी में भी बी सी आ रहा है और बी सी आपको पता नहीं है. तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के बी सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा. अगर मैं बी सी को एक्स ले लूँ तो बी सी हैज़ टू बी एलिमिनेटेड. एक्स हैज़ टू बी एलिमिनेटेड. तो इसमें हम लोग दो बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे. कैसे? पहला राइट एंगल ट्रायंगल जो है ए बी सी उसमें एच और एक्स के बीच में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? यस सर. क्या है? टैन 60 डिग्रीज. सो आई विल से इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू टैन 60. दैट मींस एच अपॉन एक्स इज रूट 3. मुझे निकालना क्या है? मुझे एच निकालना है. मतलब एक्स को एलिमिनेट कर दो. कैसे करें? x की वैल्यू यहां से निकाल दो h अपॉन रूट 3 और दूसरे ट्रायंगल में दूसरे ट्रायंगल में ए बी अपॉन बी डी ये कितना होगा? वन अपॉन रूट 3. दिस इज गोइंग टू बी टैन 30 डिग्रीज बिकॉज ए बी डी ट्रायंगल में ये 30 डिग्रीज है. 30 के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर और ये पूरा बी डी बेस हो जाएगा. दिस गोइंग टू बी टैन 30. तो ए बी तो एच है और बी डी है एक्स प्लस 100. दिस इज 1 ओवर रूट 3. एक्स आ गया. एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा. मेरे पास आएगा एच या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाद में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. एच रूट 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 100. एच रूट 3 इक्वल्स टू एच बाई रूट 3 प्लस 100. तो यहाँ पर एलसीएम ले लो फिर ट्रांसपोज कर दो. सो 3h इक्वल्स टू एच प्लस 100 रूट 3. 2h इक्वल्स टू 100 रूट 3. एच इक्वल्स टू 50 रूट 3 मीटर्स. करेक्ट. सो इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखो. पहली चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा. मैं ए सी डी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लगा सकता. आप बोलो कि मुझसे ए सी अपॉन सी डी टैन 30 होगा. नो दैट्स नॉट वैलिड. इट हैज़ टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट. दूसरी चीज़ जो भी आपने अननोन क्वांटिटी है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है जिसको आपने अपनी मर्जी से लिया है दैट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड. एक्स मैंने अपनी मर्जी से लिया है एक्स को मुझे रिमूव करना पड़ेगा. सो फोकस योर क्वेश्चन ऑन एलिमिनेटिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू दैट यू हैव टेकन ऑन योर ओन. क्वेश्चन में एक्स पूछा ही नहीं है. क्वेश्चन में एच पूछा है. एच निकालने के लिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए जिसमें एक्स भी आएगा. एक्स को एलिमिनेट करो. पहले ट्राइंगल से एक्स की वैल्यू निकालो. दूसरे ट्राइंगल से राइट एंगल ट्राइंगल से एक्स की वैल्यू निकालो. या तो इक्वेट कर दो या एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो. ईदर वे वर्क्स फाइन. करेक्ट. आसान क्वेश्चन है. एंड दे नॉट वेरी डिफिकल्ट. इसको नोट कर लीजिए. मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा. अभी मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बताया. एक और एंगल होता है वो अभी बताऊँगा. पहले इसको नोट कर लीजिए.